हेलो दोस्तों, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। मैं कोलकाता एनजी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से बोल रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं, मैं अभी नई किट लेके आया हूँ जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, कलकत्ती की बनी हुई है, 8 मॉस्फेट में है। मॉस्फेट बोल रहा हूँ, सॉरी, सब लोग मॉस्फेट बोलते हैं इसलिए मैं मॉस्फेट बोलता हूँ। ये एक्चुअल बीजेटी टेंसर है, 52001 and 43 में है, 8 मॉस्फेट में। आप देख सकते हैं ये क्वालिटी, आगे भी मैं बेचा हूँ इसके 4 टेंसर, ये 8 टेंसर में है। एक्चुअली वाटेज इसकी RMS है 200+200, और इसकी खास बात है बहुत अच्छी क्वालिटी की है, और इसकी प्री सेक्शन बास्टेबल सर्किट वगैरह काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, रिले प्रोटेक्शन के साथ है, ये रिले प्रोटेक्शन के साथ है, ये 0.15 सप्लाई है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम के लिए बनाया हुआ है, जैसे F3 कैमेट वगैरह होती है उसके आराम से ये वॉल्यूम है। ये ओके, ये देखिए, ठीक है, वॉल्यूम बार स्टेबल बैलेंस, और ये पावर सप्लाई सेक्शन है यहाँ पे। आप यहाँ देख सकते हैं सब में रेगुलेटर IC लगी हुई है, हर प्री एम्पलीफायर सेक्शन जो जैसे है सबके लिए डुअल पावर सप्लाई बास्टेबल है, तो उसके लिए प्री सप्लाई दिया हुआ है, 7815 7915, ये दो लगे हुए हैं। आप पावर सप्लाई में 4 कैपेसिटर दिए हुए हैं, और 10 एम्पीयर की ब्रिज रेक्टिफायर है, और इसकी इक्वलाइजेशन वगैरह काफ़ी अच्छा है एम्पलीफायर में, बास्टेबल के साथ जो मैच है बहुत हाई क्वालिटी की है, और USB के लिए बफर वगैरह सारा यहाँ दिया हुआ आप देख सकते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे सब USB के लिए 12 वोल्ट AC है, ये आप मेन सप्लाई है यहाँ पे, आप मिनिमम 5 एम्पीयर 35035 दे सकते हैं मिनिमम, मैक्सिमम आप 8 एम्पीयर दे सकते हैं, 10 एम्पीयर भी दे सकते हैं, जो क्वालिटी एम्पीयर की वजह से क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। और इसमें हीट सिंक का देखिए काफ़ी अच्छी लगी हुई है, 1 फुट की हीट सिंक है जो 8 टेंसर अच्छे से सिचुएशन के हिसाब से ले लेती है ये, और इसमें मिनिमम 5 एम्पीयर 35 दे सकते हैं, आप एम्पीयर आप बढ़ा भी सकते हैं, 8 एम्पीयर 10 एम्पीयर दे सकते हैं, 40 वोल्ट तक, मैक्सिमम 40 वोल्ट तक दे सकते हैं। ओके, और यहाँ देखिए ये स्पीकर का प्रोटेक्शन, ये स्पीकर लाइन है यहाँ पर, और ये रिले प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है, ये पावर एम्पलीफायर है इसका, देख सकते हैं पावर सेक्शन है, काफ़ी अच्छा तरीका से बनाया गया है, और बास्टेबल के साथ मैचिंग है इसकी। ओके, और इसमें खास बात है इसमें कंपोनेंट्स वगैरह काफ़ी अच्छी लगी हुई है, आप देख सकते हैं सब इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कैल्टोन की लगी हुई है, जो काफ़ी अच्छा कैपेसिटर है ऑडियो के लिए, और इसकी मेन खास बात है ये कलकत्ते का बना हुआ है, बहुत अच्छी क्वालिटी की, सेल भी बहुत अच्छी है महाराष्ट्र वगैरह में, और इसकी स्मूथ बास है, बेस टेबल की इतनी अच्छी क्वालिटी है, स्मूथ बास है, मिड भी बहुत अच्छी है इसकी, और इसे बहुत लो नॉइस एम्पलीफायर है, ये लो नॉइस एम्पलीफायर है, और इसमें फिल्टर वगैरह काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और ये एम्पलीफायर की खास बात है, देखिए यहाँ पे डिजाइनिंग का, PCB लेआउट का डिजाइनिंग देखिए आप, काफ़ी अच्छे तरह से डिजाइन किया हुआ है, जो नॉइस वगैरह कम हो, जो ऑडियो की डिजाइनिंग में नेगेटिव पॉइंट वगैरह दिखना पड़ता है कहाँ से ले जाएँ, पॉजिटिव कहाँ से ले जाएँ, उसका ध्यान रखा गया है। और ये खास बात है ये ग्राउंड वायर है, ये आप कैबिनेट के साथ चेसिस में लगा देंगे। ओके, ये ज़रूरी है बहुत ग्राउंड के लिए, जो नॉइज़ आती है वो नॉइज़ एकदम नहीं होगा, एकदम बंद हो जाएगा। ओके सर, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, रिप्लेसमेंट के लिए देखिए टेंसर लगाया गया बोर्ड में, अगर कुछ फ्यूचर में टेंसर वगैरह कटता है तो इसे रिप्लेसमेंट में आपको बहुत आसानी होगी, आपको यहाँ पे हाथ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से यहाँ पे आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं बहुत इजीली। ओके, और यहाँ फ्यूजेबल रेजिस्टेंस सारे लगे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस यहाँ लगाया गया फ्यूजेबल, ठीक है। और ये बहुत अभी इसकी प्राइस बहुत अगर कम कर दिया हूँ मैं, और बहुत अच्छी प्राइस भी मिलेगी आपको, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऑर्डर देंगे। ओके, बाय बाय, और मेरे चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह की वीडियो मैं काफ़ी अभी लाने वाला हूँ, आने से इंशाल्लाह मैं बना लूँगा। बाय बाय।